الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه هدايه الدين. قال الله عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. वाजिब अहतराम बुज़ुर्गों मिल्लत इस्लामिक नौजवान साथियों प्यारे बच्चों आप सभी को मेरे इस्लाम में तहिया सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा मौज़ू मालदारी व फ़कीरी। मुअज़्ज़ज़ सामईन, हम सब भूखे मगर वो जिनको अल्लाह ने खिला दिया। हम सब नंगे मगर वो जिनको अल्लाह ने पहना दी। हम सब मोहताज हैं मगर वो जिनको अल्लाह सुबहानहु ताला ने बेनियाज कर दिया। हमें जो भी नेमत दस्तियाब है ये अल्लाह सुबहानहु ताला की तरफ से है। चुनांचे अल्लाह सुबहानहु ताला इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, तुम अल्लाह सुबहानहु ताला के मोहताज हो और बिल्कुल बेनियाज जात जो है वह सिर्फ अल्लाह सुबहानहु ताला की जात है। हम में से कितने हैं जो किसी वक्त मजबूर थे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज अच्छी हालत में। कितने हैं हम में से ऐसे जो तंग दस्त थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुबहानहु ताला ने खुशहाली अता की। बीमार थे, अल्लाह ने सेहत अता की। गुमराह थे, अल्लाह सुबहानहु ताला ने रास्ता दिखाया। इस तरीके से अल्लाह सुबहानहु ताला की नेमतों को एक एक करके गिनते जाएंगे हम, उनका हिसाब हम नहीं लगा सकते। वइन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। चुनांचे मुअज़्ज़ज़ सामईन, चाहे मालदारी हो फकीरी, दोनों भी इम्तिहान हैं। अल्लाह सुबहानहु ताला किसी को नवाज कर आजमाते हैं और किसी से छीन कर अल्लाह सुबहानहु ताला आजमाते हैं। जब अल्लाह ने हमें नेमतों से नवाजा है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तो उसकी नेमतों पर अल्लाह सुबहानहु ताला का शुक्र बजा लाना चाहिए। और अगर अल्लाह सुबहानहु ताला ने आजमाने के लिए हमें गुर्बत का शिकार किया है, किसी मसाइल का शिकार किया है, तो हमें सब्र करना चाहिए और सिर्फ अल्लाह सुबहानहु ताला से इल्तिजा करनी चाहिए। जो भी मांगना है सिर्फ अल्लाह सुबहानहु ताला से हमें मांगना है। चुनांचे मुअज़्ज़ज़ सामईन, देने वाली जात अल्लाह सुबहानहु ताला की, ला मानी अलिमा आते, अल्लाह ने जिसको दे दिया उसको कोई रोक नहीं सकता। वला मुअतिया लिमा मनात, और अल्लाह ने जिसको मना कर दिया, नहीं दिया, तो उसको कोई दे नहीं सकता। चुनांचे तमाम भलाइयां किसके हाथ में हैं? अल्लाह सुबहानहु ताला के कब्ज़े कुदरत में। चुनांचे हमें चाहिए, हमें जो भी भलाई चाहिए तो उस भलाई का सवाल हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुबहानहु ताला की जात से हमें करना चाहिए। चुनांचे मुअज़्ज़ज़ सामईन, मालदारी अगर अल्लाह की इबादत में गुजरती है, क्योंकि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे पहले भी हदीस में सुना चुका हूँ आपको, कि दो शख्सों के ताल्लुक से हिर्स किया जा सकता है। हिर्स का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया, अगर रश्क इस्तेमाल करते, रश्क थोड़ा हल्का होता। हिर्स एक आग होती है इंसान के दिल में, जब तक सामने वाले की चीज़ को वह हासिल नहीं करता वह आग बुझती नहीं। इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, दो शख्सों के ताल्लुक से हिर्स किया जा सकता है, और वो दो शख्सों में से एक शख्स कौन है? जिसको अल्लाह ने बेदरेक माल अता फरमाया और वो भी दिनों रात अल्लाह के रास्ते में माल को खर्च कर रहा है। यानी
अगर माल है और अल्लाह के रास्ते में खर्च हो रहा है तब नियामत ही है, और गरीबी है और अल्लाह के लिए सब्र किया जा रहा है और इताअत और फरमाबरदारी में ज़िंदगी गुजारी जा रही है तो ये गरीबी भी क्या है, नियामत है। चुनांचे माज़ा समीन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस अगर आप देखते हैं तो गरीबी भी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है, अकादुल फ़क्र अन यकून कुफ्रा, गरीबी और बेबसी कभी कभी इंसान को कुफ्र के हद तक जो है ले जा सकते हैं। चुनांचे माज़ा समीन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इत्तलअत फिल जन्नति रअयतु अक्सर अहलिहा अल फुकरा, मैंने जन्नत में देखा, ने जन्नत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई गई तो आप क्या देखते हैं कि जन्नत के ज्यादा रहने वाले अहले जन्नत कौन है, फकीर लोग, फुकरा हैं। और उसके बाद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जहन्नम भी दिखाई गई और मैंने जहन्नम में देखा कि सबसे ज्यादा जहन्नम में औरतें, सबसे ज्यादा जहन्नम में औरतें हैं। एक दूसरी हदीस में है कि शोहर की नाफरमानी की वजह से औरतें ज्यादा जहन्नम में होंगी। दूसरी जगह नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हुआ, कुंतु अला बाबिल जन्ना, मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हुआ तो जन्नत में ज्यादा दाखिल होने वाले कौन लोग थे, वो मिस्कीन फकीर लोग थे, मसाकीन थे। और उसके बाद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लोग जिनको अल्लाह ने माल दौलत से नवाजा है वो भी जन्नत में जा रहे थे, लेकिन अल्लाह उन्हें रोके हुआ, क्योंकि जो भी माल अल्लाह ने उनको दिया है उसका हिसाब तो उन्हें चुकाना है, लेकिन गरीब और फकीर चुकाने के लिए उसके पास क्या है। चुनांचे माज़ा सामईन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दूसरी हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गरीब फकीर जो है जन्नत में मालदारों से 500 साल पहले चले गए। गरीब फकीर जो लोग हैं मालदारों से 500 साल पहले वो जन्नत में चले जाएंगे। चुनांचे माज़ा सामईन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कौल जो है घांटी बांध कर रख ले, आपने फरमाया कि मालदारी ज्यादा माल का होना नहीं है, मालदारी ज्यादा माल का होना नहीं है, बल्कि असल मालदारी दिल की मालदारी है। असल बेनियाजी क्या है, दिल की बेनियाजी है, यानी मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं, हर कुछ घर में मौजूद है, ये मालदारी नहीं है, बल्कि सब कुछ होते हुए भी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालदारी में फकीरी को अपनाया था। अल्लाह सुबहाना ताला तो देने के लिए पहाड़ तैयार कर रखे थे, लेकिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, एक दिन मैं खाऊं तेरा शुक्र अदा करूं और एक दिन मैं भूखा रहूं उस पर सब्र करूं, मुझे ये जिंदगी पसंद। चुनांचे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा जो दुआ की थी कि ऐ अल्लाह इन्नी अस्अलुका फ़िअलल खैरात, कि मैं अच्छे काम करूं इसकी तौफीक दे, व तरकल मुनकरात, जितने भी मुनकरात हैं बुरी चीज़ें हैं सारी चीज़ों को छोड़ने की वो अल्लाह मुझे तौफीक दे, व हुब्बल मसाकीन, ऐ अल्लाह मिस्कीनों की मोहब्बत अता फरमा, मुझे मिस्कीनों का मोहब्बत करने वाला बना दे। चुनांचे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मुझे तुम अगर तलाश करना चाहते हो तो मिस्कीनों में तलाश करो। और आपकी जिंदगी कितनी सादी सीधी जिंदगी है, आपको मालूम है आपकी जब मौत हुई थी आप मालदार होकर आपका इंतकाल हुआ था या गरीब, बिल्कुल मिस्कीन की मिस्कीनी की हालत में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत हुई। आज आदमी मालदारी को पसंद करता है, मालदार होने को पसंद करता है, जबकि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबी को पसंद किया था, मिस्कीनों के साथ रहना नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था। चुनांचे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बहुत ही प्यारी हदीस, जिसमें आपने फरमाया अल यदुल उलिया खैरु मिन अल यदिस सुफला, देने वाला हाथ ऊंचा हाथ निचले वाले हाथ से भी बेहतर है, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से भी ज्यादा बेहतर है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम्हें देना है तो उनको जो जो तुम्हारे परवरिश के तहत हैं, यानी तुम्हारे बाल बच्चे हो सकते हैं या बहन हो सकते हैं, उनको दो। उसके बाद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया असल सदका वो है जहाँ आदमी को
फकीरी का डर होता है। असल सदका वह वो है जहां आदमी को फकीरी का डर होता है लेकिन बेनियाजी के साथ वो सदका करता है। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने किफायत शियारी इख्तियार की अल्लाह उसको किफायत शियार बनाएगा, जिसने किफायत शियारी इख्तियार की अल्लाह उसको किफायत शियार बनाएगा, और जिसने बेनियाजी इख्तियार की अल्लाह उसको बेनियाज कर देगा, अल्लाह उसको बेनियाज कर देगा। सुनाचे मुआज़्ज़ज़ सामईन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिस्कीन वो नहीं है जिसको एक लुकमा दो लुकमा जो है किसी भी दर से दूर कर सकता है, एक दो लुकमे के लिए कोई भी किसी के पास जाता है वो मिस्कीन नहीं, बल्कि मिस्कीन वो है जिसके पास उसकी ज़रूरत की कोई चीज़ नहीं और उसको अपनी गरीबी को बताना भी नहीं आता, और अपनी गरीबी को बताना भी नहीं आता, और वो कभी लोगों के सामने हाथ फैलाकर मांगता भी नहीं है। चुनांचे ऐसे जो अल्लाह के बंदे होते हैं इनको तलाश करना चाहिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए, क्योंकि ये बड़े ही जो है गैरतमंद होते हैं, ये किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। चुनांचे मुआज़्ज़ज़ सामईन एक दो वाकया से मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा, जिसमें पहला जो वाकया है इब्राहिम बिन अधम का है। आप सबको मालूम है बहुत ही बुजुर्ग जो है अल्लाह वाले गुजरे हैं इब्राहिम बिन अधम रहमतुल्लाह, ये बहुत ही जो है आराम और आलाइश अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इनको अता फरमाई थी, बहुत माल अल्लाह ने इनको दे रखा था, बहुत नाज़ो नखरों में पले हुए इब्राहिम बिन अधम थे। एक मरतबा उन्होंने देखा कि एक बहुत ही भूखा आदमी है, अपनी थैली से एक रोटी निकालता है और रोटी खाकर पानी पीकर सो जाता है। बड़ा ताज्जुब है, देखने में इतना भूखा लग रहा है, एक रोटी खाया पानी पिया और सो गए। तो जब उसकी नींद बेदार होती है पूछते हैं तुम बहुत भूखे थे ना, कहता हाँ जी भूखा था, तो एक रोटी से तुम्हारा पेट भर गया, पेट भर गया और तुम गहरी नींद भी सो गए, गहरी नींद सो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने कहा जब एक रोटी से गुजारा चल सकता है और एक रोटी से मुझे आराम की नींद आ सकती है तो फिर ये सारी जो जायदाद जमीन है ये किसके लिए। तो वहाँ से उन्होंने जो है दुनिया से बेरगबती का ये जो है उनमें पैदा हो सिफत पैदा हुई, और उसके बाद धीरे धीरे रहते रहते आबिदीन में उनका शुमार होने लगा। चुनांचे मुआज़्ज़ज़ सामईन कभी कभी ज़िंदगी में कोई छोटा सा वाकया होता है जो हमारे पूरी ज़िंदगी के काय को जो है पलट कर रख देता है। और इसी तरीके से बिशर करने वाले एक ये भी अल्लाह वाले गुजरे हैं, लेकिन ये भी पुराना जब ये तौबा नहीं किए थे उस वक्त ये बहुत ही नाज़ो नखरे में पले हुए इंसान थे और बुराइयों के शिकार थे, कई गलत आदतें इनके पीछे पीना भी था, सारी चीज़ें इनके पास आदतें थी। तो एक अल्लाह वाले का गुजर उनके घर से होता है, तो वहाँ जो बांदी होती है उनके घर की उसको बुलाकर पूछते हैं कि इस घर में जो रहा है वो आज़ाद है या ग़ुलाम है, ये सवाल होता है कि आज़ाद है वो ग़ुलाम है। तो बांदी कहती है बड़े फख्र से कहते नहीं, इसमें जो रहता है वो बिल्कुल आज़ाद है, वो सरदार है, वो आज़ाद है सरदार है। तो उस वक्त कहते हैं सही है, अगर वो ग़ुलाम होता तो अपने आका के साथ नाफरमानी ना करता, ये जानते हुए कि वो सब कुछ देख रहा है सब कुछ सुन रहा है। वहाँ से निकल जाते और बांदी जाकर सारा माजरा कह सुनाती है कि ऐसा फला शख्स ने कहा है। तो उस बात का असर उसके दिल पे इतना होता है वो चप्पल पहनना भी भूल जाता है और उस बुजुर्ग के पीछे जाता है, उसके बाद उसकी ज़िंदगी का पूरा जो तौर तरीका है बदल कर रह जाता है। चुनांचे मुआज़्ज़ज़ सामईन याद रखें कि अल्लाह सुबहानहु तआला नवाज़ा है, यानी वाहसिन का माहसन अल्लाह इलैक, अगर अल्लाह ने हमें दिया है हमें अल्लाह के बंदों तक उस एहसान को पहुँचाना चाहिए, और अल्लाह सुबहानहु तआला ने अगर हमें तंगी का शिकार किया है तो सब्र करके अल्लाह सुबहानहु तआला की तरफ से किसी ना किसी हल का इंतज़ार हमें करना चाहिए। अल्लाह सुबहानहु तआला जो भी बातें कही गई हैं उन सारी बातों में जो भी हक है उसको अपनाने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन वजाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल है, छोटा सवाल है। अच्छा, सवाल से पहले एक ऐलान है, आप में इससे पहले अहादीस और दुआएं, पांच हदीस और पांच दुआएं तकसीम की गई जिनके पास भी है, कल जुमा है तो इंशाअल्लाह कल मुसाबका होगा,
बच्चे बड़े जो भी हैं हम इंशाल्लाह याद करके तैयार रहें, इंशाल्लाह मुसाबका होगा। ठीक, सवाल ये है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मसाकीन गरीब मालदारों से पहले जन्नत में इतने साल पहले जाएंगे। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, आइए जाकर।